कश्मीर में आतंक का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी कुलगाम, कभी पुंछ, कभी शोपियां, कहीं ना कहीं से आतंकी हमले की खबरें आती रहती हैं। सैनिकों की शहादत की खबर आती रहती है और हमारे नेता करते हैं कड़ी से कड़ी निंदा। रिपोर्ट देखिए, फिर इन हालातों को समझने की फिर एक बार करेंगे कोशिश। निंदा, कड़ी निंदा और बेहद कड़ी निंदा। ये नेताओं की वो मुंह बोली मिसाइल है जो हर आतंकी हमले के बाद दागी जाती है, और इस जुवानी जमा खर्ची के बाद जो हिस्से में आता है वो है शहीदों की शहादत का आंकड़ा। हालात ये है कि अब तो हर रोज ऐसी ही खबर आती है कि जिससे सारा देश गम के सागर में डूब जाता है। कुपवाड़ा और पुंछ के आंसू पहुंच भी न पाए थे कि महज 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के अपहरण के बाद कायरों ने क्रूरता से हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को किडनैप किया है और बाद में उनको मार दिया गया है। इंडियन आर्मी इस दुख की घड़ी में इस फैमिली के साथ खड़ी है। शांति का कबूतर तो न जाने कहां उड़ गया है कश्मीर से। अब तो हाथों में पत्थर लिए नई पौध दिखती है। ये तस्वीरें दर्द देती हैं। शहीद फैयाज के जनाजे पर भी पथराव की खबर है, तो वहीं एक आतंकी के जनाजे में आतंकियों द्वारा हथियार लहराए जाना चिंता की बात है। तो अभी ये जो शहीद फैयाज की बात कर रहे हैं, जिसने बहुत कम उम्र में 22 साल की उम्र में आर्मी में वो ऑफिसर बन गया और उसको कुछ सेकेंडों के अंदर बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया। इससे पहले पुलिस के लोगों को कत्ल किया गया, बैंक के लोगों को कत्ल किया गया। तो मैं समझती हूँ बड़ा बहुत ही सोचने का लम्हा है हमारे लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। चिंता की बात ये भी है कि करीब साल 2016 में शहीद होने वाले जवानों में 71 जवान केवल कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों के दौरान शहीद हुए हैं। यहीं तक सीमित नहीं है ये शहादत, जख्म देखोगे तो दर्द समझ आएगा। आंकड़ों के अनुसार तो साल 2008 में 90 जवान, साल 2009 में 78, साल 2010 में 67, साल 2011 में 30, साल 2012 में 17, साल 2014 में 51 और साल 2015 में 41 जवान खोए हैं। लेकिन सियासी शब्दों से बुदबुदाई जाती है सियासत, देश के शहीदों का सूबा पूछते हैं सियासतदान। सर कट करके आ गया, बहस क्यों नहीं करते आप? जवानों का सर कटा है और क्या क्या अंग कटे हैं जो आपने नहीं बताए, आपको बताना चाहिए। और हम तो कहते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं, बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। बहरहाल यूं तो स्वर्ग के बारे में कहा जाता है कि जहां सुख ही सुख हो, लेकिन स्वर्ग जैसे कश्मीर में सुखों के सागर सूख गए हैं। सूबे की मुखिया महबूबा मुफ्ती दो नाव की सवारी करती दिखती हैं, तो वहीं केंद्र सरकार शायद गठबंधन का धर्म निभाने में लगी है। लेकिन सैनिकों की शहादत पर सवाल ये है कि कुछ तो करिए सरकार, आखिर शहादत के कितने तमगे सजाएं सैनिकों के परिवार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय करा रहे हैं सीधे आपका। के शुक्ला जी बीजेपी से, केसी जैन साहब समाजवादी पार्टी से, सुबोध श्रीवास्तव कांग्रेस से, पीके सहगल साहब जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, साथ साथ के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी भी जुड़ रहे हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से करने जा रहे हैं। अमिताभ जी, आंकड़े दिखाते दिखाते बताते बताते लगता है हम तो थक गए, लेकिन कड़ी से कड़ी निंदा होने का दौर जारी है, श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्या कहिएगा कश्मीर को लेकर? पंकज, देश श्रद्धांजलि नहीं सुनना चाहता। देश चाहता है कि उत्तर दिया जाए, एक ऐसा उत्तर जो निर्णायक इबारत लिखे। मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम ने कभी कहा था कि अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, यही है, यही है, यही है। आज उस स्वर्ग को जहन्नुम बना दिया। उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह मैं देख पाता हूं, वो देख पाता हूं कि शायद हमारी सरकारों का जो रवैया रहा,
वो भी ढुलमुल रहा। दुनिया में तमाम छोटे छोटे मुल्क भी हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान को लेकर बड़े फैसले किए। इसराइल एक उदाहरण है दुनिया के सामने। केवल ये नहीं कि केवल आप अमेरिका हो जाएं तभी आप कुछ कर पाएंगे। जो देश अमेरिका नहीं है वो भी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी रखने में सक्षम है। ये कौन है मुट्ठी भर लोग जो कश्मीर में सेना पर पत्थर फेंकते हैं, कश्मीर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर मारते हैं और शहीद के जनाजे में पत्थर फेंकते हैं और इसके बाद हम निंदा करेंगे? क्या हम ये मान लें कि हिंदुस्तान की फोर्स, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे भारत की बहादुर सेना हो, वो आतंकियों और उनके समर्थकों के पत्थर खाने के लिए है? क्या माओ ने अपने लाल इसलिए जने और इसलिए सेना में भेजे कि जाओ और कश्मीर में पत्थर खाओ? नहीं, ये मसला भाजपा कांग्रेस सपा बसपा का नहीं है। राजनीतिक दलों से भी मैं कहूंगा अपनी राजनीति थोड़े कश्मीर से अलहदा रखिए। आपकी राजनीति करने के लिए तमाम अच्छे अच्छे विषय हैं, उन पर ताल ठोकिए और मौज लीजिए देश में, लेकिन कश्मीर में सेना को आजादी होना चाहिए। आतंकी के जनाजे में सारे आतंकी गोल बंद होकर चले और नारे लगाए हिंदुस्तान के खिलाफ, और शहीद का जनाजा हो तो पत्थर फेंके जाए, ये कैसा हिंदुस्तान है? ये जिम्मेदारी है हुकूमत हिंदुस्तान की कि कश्मीर पर एक निर्णायक पहल होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक उस पार हो तो ठीक बात है, लेकिन मैं कहूंगा एक सर्जिकल स्ट्राइक अंदर भी होनी चाहिए घाटी के, उसके बिना भी बात नहीं बनेगी। दुनिया में क्या संदेश जाता होगा कि 1.25 अरब का मुल्क 1500 पत्थरबाजों को नहीं रोक पा रहा? हमारा आर्मी का एक नौजवान लेफ्टिनेंट किडनैप करके मार दिया जाता है और हम कहते हैं कि इसकी शहादत को नमन, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई। सहगल साहब हमारे साथ हैं, इस विषय के जानकार हैं, हम लोगों से ज्यादा समझते हैं डिफेंस के नाजुक मसलों को। सहगल साहब, एनफ इज एनफ। हिंदुस्तान चाहता है कि अब कुछ होना चाहिए, सीधी कार्रवाई। क्या हो सकता है? क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बहुत बड़े पैमाने पर कहना चाहता हूं कि हमको जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर रहे। 3-4-5 बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। 1971 से लेकर अभी तक इनिशिएटिव हमेशा पाकिस्तान के पास में है, हम केवल रिएक्ट करते हैं। वो चेस बोर्ड के ऊपर पहली चाल वो चलता है और उस चाल का जवाब हम केवल देते हैं। हमारी सारी की सारी स्ट्रेटजी है वो डिफीटिस्ट और डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। हम अपनी बॉर्डर फेंसिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्मार्ट फेंसिंग लगाना चाहते हैं, जबकि जानते हैं कि दुनिया में कोई भी प्रकार की फेंसिंग जो है कभी भी दुश्मन को रोक नहीं सकती। हमको इस माफिक की कार्रवाई करनी चाहिए कि उसकी हिम्मत ही ना हो कि वो हमारे बॉर्डर को वायलेट करे, घुसपैठ करे, रोज रोज सीज फायर वायलेशन करे, क्योंकि जब वो इस माफिक की कार्रवाई करता है तो जवाबी कार्रवाई हमारी इतनी जबरदस्त और इतनी कारगर होनी चाहिए कि उसके होश उड़ जाए। हम एक बहुत बड़े देश हैं, बड़े शक्तिशाली देश हैं, वो हमारी शक्ति के सामने उसको घबराना चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं घबरा रहा क्योंकि हमने अपनी शक्ति दर्शाने की कोशिश नहीं की। दूसरा, जो आज का माहौल है बड़ा गंभीर माहौल है। आपको पाकिस्तान को और कश्मीर के अंदरूनी हालात को, दोनों को एक साथ निभाना है। इन्होंने साफ तौर पे कहा, मेरे पहले जो स्पीकर थे, कि अभी समय आ गया है कि उस पार के साथ साथ वैली के अंदर भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। मैं इससे सहमत हूँ। पहली बात है, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की वो वन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक थी। उस माफिक की अनेकों स्ट्राइक्स होनी चाहिए। जब जब पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश करता है उसका फायदा उठा के जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि वो आइंदा हिम्मत ना करे। और जो वैली के अंदर लोग हैं, कौन देशद्रोही है सारे जानते हैं,
ये हुर्रियत कौन है सारे जानते हैं, देश के रक्षक कौन है सारे जानते हैं, देश प्रेमी कौन है सारे जानते हैं, सारे जानते हैं कि जो फौज है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू और देश की सुरक्षा के लिए 24/7 365 दिन अपनी जान हथेली पर रख के कार्रवाई करते हैं। उसके बावजूद बिल्कुल कई प्रकार की आवाजें उठती हैं। जी जी बिल्कुल, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, फिर आऊंगा आपके पास, फिर आऊंगा आपके पास, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में शामिल कर लूं। सुबोध श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सुबोध जी, ठीक बात कही सहगल साहब ने, दरवाजे पे चौकीदार और खेत में मेड़, ये जानवरों के लिए लगाई जाती है कि कुत्ता ना घुसाए, गाय ना घुस जाए, ठीक है ना? जी जी। आतंकियों के लिए होती है क्या? एक और जो बात मैं कह रहा था, जिसको एंडोर्समेंट किया, जिसका सहगल साहब ने, जब से ये इंसर्जेंसी का काम शुरू हुआ घाटी में, मैं ये नहीं कहूंगा तक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, मैं कांग्रेस भाजपा में इसको नहीं बांटना चाहता, मैं सरकार और हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूं, पार्टी की नहीं। पार्टी बहुत छोटी चीज है, आज कांग्रेस है कल नहीं रहेगी, लेकिन देश तो रहेगा ना। मूल प्रश्न ये, हम केवल रिएक्शन क्यों देते हैं जब वो एक्ट कर देते हैं? छत्तीस सिंह पूरा कांड हुआ, कितने लोग मारे गए, बिल क्लिंटन यहां थे उस वक्त घटना घटी, हम फिर आते हैं एक प्रवचन पढ़ते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाविका न चक्ले दयन्तापो न च शोषित मारुता, हम भागवत पढ़ने लगते हैं, गीता। ये तमाशा सब सरकारों ने किया, ये तमाशा कब तक और जारी रहना चाहिए भैया? सुबोध जी देखिए, आपने जैसा कहा कि कांग्रेस की सरकारों के समय से होता चला आ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आतंकवाद का जो मसला है 1989 के बाद से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, और उसके बाद तमाम सरकारें आई हैं, सब हर सरकार ने अपनी तरह से इस मुद्दे को से निपटने की कोशिश भी की है। और आपको ये भी जो आंकड़ों से भी पता चलता है कि जब पिछली बार UPA की सरकार थी तो वहाँ पर आतंकवाद में काफ़ी कमी भी आई थी। और मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद भी अभी 2014 में तकरीबन 8-10 दिन कश्मीर घूम के आया हूँ, उस समय मुझे कहीं लगता ही नहीं था कि वहां कोई आतंकवाद है। ये बात है अगस्त 2014 की, और उसी समय मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो और उनका अभी तब तक वहां पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार भी चल रही थी, तो उस समय ऐसा लग नहीं, कहीं नहीं लग रहा था। लेकिन वहां के लोग जो परेशान थे, उस समय जब लोगों से मैंने बात की थी तो वहां स्थानीय लोग परेशान थे कि वहां पर करप्शन का कोई रोक नहीं हो पा रही थी, उनको लग रहा था कि जो भी सरकार है वो सिर्फ करप्शन में लगी हुई है, उनके हित के जो काम है वो नहीं हो रहे हैं। इतनी शिकायतें तो मिलती थी, लेकिन उस 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूं, आतंकवाद वहां कहीं नाम निशान नहीं था, काफी कुछ ठीक है, काफी कुछ वहां पर टूरिस्ट जा रहे थे वहां पर, वहां की इकोनॉमी सुधर रही थी। लेकिन मैं एक आपने तजुर्बा बताया, दो तजुर्बे मैं अपने बता दूं। मुरली मनोहर जोशी जब एकता यात्रा लेके गए थे तो मैं उस यात्रा में साथ था, मैंने कश्मीर को तब देखा, आतंक से सराबोर कश्मीर। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैंने कहा आपकी पार्टी के, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, तब मैं मनमोहन सिंह जी के साथ गया कश्मीर, तब भी मैंने देखा खिड़की बंद, दरवाजे बंद, सड़कों पर सन्नाटा, केवल सेना सेना, बियाबान सुनसान, कौन कहता आतंकवाद नहीं था? मैंने कश्मीर घूम के देखा है मित्र, ठीक है ना, ये चीज अभी लागू नहीं हो रही। मैं काफी कम था, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपकी पार्टी से भी बड़ी भारी शिकायत। अखिलेश जी अच्छे नेता है, नौजवान है, संभावनाएं हैं उनमें, बड़े राजनीतिक घराने से हैं, ऐसी बात बोलेंगे कि यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, तमिलनाडु से तो शहीद हुए, गुजरात से कोई हुआ क्या शहीद? क्या गुजरात अब मोदी से आपकी नाराजगी हो सकती है, अमित शाह से हो सकती है, क्या गुजरात से भी नाराजगी होगी? ऐसी बात कभी कोई बोलता है क्या? देखिए देखिए अमिताभ जी, जब भी हिंदुस्तान का कोई भी जवान शहीद होता है तो हिंदुस्तान का शहीद होता है, ना कि किसी प्रांत विशेष का। तो प्रांत किस प्रांत का है
किस प्रदेश का है, किस सूबे का है, हमें लगता है ये बात गूढ़ हो जाती है। और सीमा पे जब जवान मरता है तो भारत माँ के लिए मरता है, ना कि वो सिर्फ अपने प्रदेश के लिए मरता है। रोजी रोजगार के सैकड़ों संसाधन हैं। हम लोग जब एनसीसी कर रहे थे, हम लोगों के अंदर जज्बा था, हम लोग चाहते थे कि सेना में जाएं, लेकिन सेना की ट्रेनिंग, सेना की चीजें, जिस तरीके से सिलेक्शन होता है, तो बौद्धिक क्षमता से लेकर के शारीरिक क्षमता तक तमाम चीजें देखी जाती हैं। और जो जवान, जो वो माँ बाप जो अपने बच्चे को सहर्ष सेना में भेज दें, उनको नमन, कि वो जानते हैं कि इसमें क्या होना है, कितना बड़ा रिस्क है, उसके बाद में भी भारत देश की रक्षा के लिए उनको भेज देते हैं। लेकिन जो घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं, जो चीज अभी सहगल साहब कह रहे थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसिव होने, डिफेंसिव होने से काम नहीं चलेगा, हमें ऑफेंसिव होना पड़ेगा, और जो चीज आपने कही कि एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत हिंदुस्तान के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक हो जिससे कि 1500 आदमी जो हमेशा एक आतंकवादी की तरह उभर करके सामने आते हैं, जवानों पर पत्थरबाजी करते हैं, और जवानों के भी हाथ किस तरीके से बांध दिए गए। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए। जो चीज आपने कही वो चीज मैं भी दोहराता हूं और आपका पूरा समर्थन करता हूं कि सरकार हिंदुस्तान की है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा से यहां पे मतलब नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि हमारी सेना को मजबूत करे, और सेना के साथ जो जो कुछ हुआ, जिस तरीके से धक्का हुई, धक्का मुक्की में जिस तरीके से हमारे सैनिकों का मनोबल गिरा, इस पे चेतना चाहिए सरकार को। पठानकोट पे यहां हमला होता है, उसके बाद में क्या होता है कि पाकिस्तान से टीम आती है यहां पे जांच करने के लिए कि हमला हुआ नहीं हुआ, हमने किया नहीं किया, यहां खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, 10-15 दिन महीने भर रहते हैं, फिर यहां पे रिपोर्ट नहीं बताते, यहां से रिपोर्ट ले जाकर के अपनी सरकार को देते हैं। और पाकिस्तान कहता नहीं, हमारे वहां का कोई नहीं था वहां पर हमलावर, हमारे वहां का कोई आतंकी नहीं था। तो इस तरीके की चीजों से बचना होगा सरकार को। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, लेकिन जिस तरीके से पैलेट गन और तमाम चीजें, और गन नहीं रख सकते हैं, राइफल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेना को तो एक सिपाही से भी बदतर कर दिया। ठीक है, तो सेना को ताकत देनी होगी और डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में आना होगा। ठीक बात। ये सवाल मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि अखिलेश जी ने तो बात सूबे की, लेकिन हिंदुस्तान के सियासतदानों के चरित्र को भी मैं जानता हूं, इतने वर्षों से देख रहा हूं। कल एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करने लगेंगे कि मेरे में 2 शहीद हुए, तेरे में कोई हुआ क्या? एमएलए और नीचे आ जाएगा, वो अपनी विधानसभा में ताल ठोकने लगेगा, और पार्षद और नीचे आ जाएंगे, वो कहेंगे मेरे वार्ड से 2 शहीद हुए, तेरे वार्ड से कितने, कौन शहीद हुआ बता। तो सेना की शहादत जो है, आप उसके साथ गली गली, चौराहे चौराहे मजाक करेंगे, इसलिए इस तरह की चीजें बंद होनी चाहिए। शुक्ला साहब, मैं सबसे आखिर में आपके पास इसलिए आया क्योंकि आप उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जो पार्टी हुकूमत हिंदुस्तान में है। देश को इस बात से मैं अब कतई दिलचस्पी नहीं बची कि आतंकियों का कायराना हमला, अरे भाई वो बहादुराना है, कायराना है, उससे क्या फर्क पड़ता है। नेट रिजल्ट ये कि हमारा सपूत मारा गया, और सेना का जब जवान मरता है तो व्यक्ति नहीं मरता शुक्ला जी, वो भारत राष्ट्र राज्य की सत्ता को डेंट लगता है, भारत के इकबाल को ध्वस्त का नुकसान होता है, भारत की प्रतिष्ठा धूल धूसरित होती है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो तो मैं बहस नहीं करूं, सेना के व्यक्ति की जब इस ढंग की स्थिति होती है तो पूरे समूचे भारत का माथा झुकता है। शुक्ला जी, जी बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी आपने, अभी तक आपने जो भी विषय रखा वो पूर्णतया सही है, और यह भी सही है कि सर्जिकल स्ट्राइक अब के देश के बाहर नहीं, पाकिस्तान की सीमा में नहीं, भारत के अंदर भी कश्मीर में होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कश्मीर में होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ सर्जिकल स्ट्राइक देश के कई भागों में करने की जरूरत है। आतंकवादी जब आते हैं देश के अंदर, लखनऊ में ही आतंकवादी आए, चौक एरिया में वहां निवास किए, कुछ दिनों बाद उनमें से कुछ लोग एकाएक गायब हो गए, एक आदमी वहां मारा भी गया। आखिर सवाल यह उठता है कि वो कहां गायब हो जाते हैं, कहां शरण पाते हैं, कौन उनको संरक्षित करता है। इन सब चीजों के ऊपर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, प्रदेश की भी और देश की भी।
जहां तक अभी हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा कि वो गए थे कश्मीर घूमने 2014 में, तो वहां शांति थी, और अभी कुछ दिन पहले गए तो बड़ी अशांति है। यहाँ तो हर चैनल पे अशांति दिखाई दे रही है, बिल्कुल अशांति है। लेकिन मैं सुबोध जी को बता दूं कि वो अभी गए थे, मैं 2011 में गया था और 17 दिन श्रीनगर में रहा था। श्रीनगर में जगह जगह पे लिखा रहता था रात दिन में, रात भर आतंक श्रीनगर के आसपास के लोग या आतंकवादी लोग या जो भी लोग लिखते हो वो लिखते थे इंडियन डॉग्स लीव श्रीनगर इमीडिएटली, भारतीय कुत्ते श्रीनगर से बाहर कश्मीर से बाहर जाओ, और सुबह सीआरपीएफ के जवान उसको साफ करते थे, उसको पोंछते थे, उसको मिटाते थे, कंटिन्यूएशन में चलता था। और जिस समय मैं वहां था उसी समय श्रीनगर में एक बहुत बड़ा गोलीकांड हुआ था जिसमें कई पुलिस के अधिकारी मारे गए, पुलिस के सिपाही मारे गए थे, मेन श्रीनगर में लाल चौक के पास, यह शायद लाल चौक में हुआ था। उस समय सेना जो थी वो भीड़ जो पथराव करती थी उस समय भी होता था, तो उनको भगाने के लिए सैगल साहब अच्छी तरह जानते होंगे कि लोग सेना के जवान अपने पास कंचे रखते थे और गुलेल में कंचे रखकर मारते थे भीड़ को, तो किसी की आंख फूट जाती थी, किसी के कान में कंचा घुस जाता था, कान से बहरा हो जाता था, एक नहीं कई घटनाएं होती थी। इसका बड़ा विरोध हुआ और ये जो पैलेट गन चली है उसी का परिष्कृत रूप था जिसके वो आगे पैलेट गन का उपयोग किया जाने लगा, यानी स्थिति बहुत दिनों से खराब थी। जब पानी स्थिर होता है तो हलचल नहीं होती, अब पानी में हलचल मची हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। जो महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी नजर आ रही थी वो अब ये बोल रही है अगर कश्मीर की समस्या का समाधान कोई प्रधानमंत्री कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। शुक्ला साहब बिल्कुल आज वो ये बोल रही है, शुक्ला साहब ठीक है, कर सकते हैं तो करना चाहिए। आज पाकिस्तान शुक्ला साहब अकेला थकेला पड़ गया है, ईरान तक शुक्ला साहब कर रहा है। आएंगे आपके पास, आएंगे सहगल साहब से एक सवाल ले लूं फिर ब्रेक पे जाऊंगा उसके बाद। शुक्ला सहगल साहब, कश्मीर की आबादी हम जानते हैं घाटी की, बहुत विरल जनसंख्या वाला इलाका है, घनी आबादी नहीं घाटी में। मैं सामान्य व्यक्ति हूं, मैं मानता हूं 1000-2000 पत्थरबाज होंगे जिनका कनेक्शन सीमा पार के आकाओं से होगा। क्या हमारी फोर्सेस, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस हो, क्या हम लोग मिलकर उन 1500 लोगों को सदा के लिए व्यवस्थित नहीं कर सकते? मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, सदा के लिए व्यवस्थित, इसी इन्वर्टेड कॉमा में सारी बात आ गई, समझने वाले लोग समझ गए होंगे कि सदा के लिए व्यवस्थित कैसे करते हैं। सहगल साहब, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, शायद हमने आंखें मूंदते रखी हुई हैं। इस समय जो स्थिति है श्रीनगर में, कश्मीर में, इट्स एन अनडिक्लेयर्ड वॉर बाय द एडवर्सरी, और जो वहां पत्थरबाजी पत्थर फेंक रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं उन लोगों के इशारे पर जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। हमारे आर्मी चीफ ने साफ तौर पर लाउड एंड क्लियर कहा था कि जो भी फौज के ऊपर या पैरामिलिट्री फोर्सेज के ऊपर या जेके पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेगा और उनके ऑपरेशन में दखल देगा तो उनको देशद्रोही समझा जाएगा और उनके खिलाफ उसी माफी कार्रवाई की जाएगी जैसे कि एक देशद्रोही के खिलाफ की जाती है। लेकिन ये कहने के बाद हमने ये कार्रवाई की नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि टोटल जो है पत्थर फेंकने वाले बहुत कम हैं, 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इस माफी की कार्रवाई नहीं करती। हम काफी स्ट्रांग हैं और अगर गवर्नमेंट ऑफ द डे बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट ये फैसला कर लें कि इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अलग करना है देश से तो बड़ा सही निर्णय होगा। फौज जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काबिल हैं, उनमें क्षमता है कि कुछ ही दिनों में सिचुएशन को कंप्लीटली कंट्रोल में लाया जाए, और एक बारी वो सिचुएशन कंट्रोल में ले आते हैं तो उसके बाद में अपने पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स ओपन अप करने हैं ताकि दोबारा इस माफिक की स्थिति ना आए।
लेकिन जो आपके पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स हैं दे हैव टू गो वर्चुअली हैंड इन हैंड अलोंग विद द एक्टिविटीज ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। अनेकों बारी आपके 1990 में, 2000 में, 2010 में आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्थिति को बहाल किया जी, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स थे कि वहां के लोगों का दिल ब्रेक लेना है, फिर आएंगे आपके पास। मैं तो गांव का आदमी हूं, देहात का, बड़ी थ्योरियां मैंने पढ़ी नहीं ना मेरी समझ में आए, लेकिन गांव से मैंने एक कस्बों से एक नजीर सीखी। पता नहीं आदमी बड़ा नेता हो जाता है तो वो मूल बात क्यों भूल जाता है। जब तक सड़क पर रहता है उसको सब समझ आता है हिंदुस्तान की तस्वीर। मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो जाता है तो फिर वो बाबू के भरोसे चलता है, कहता फाइल लाओ, प्रेजेंटेशन दिखाओ। एक मोटी बात कहता हूं, ब्रेक के बाद उसी पे बात करेंगे। मोटी बात, गांव में जो लोग चंबल के इलाके से वाबस्ता है या बुंदेलखंड के, वो लोग मेरी बात ज्यादा समझ जाएंगे। गांव में दो फोर्सेज एक साथ ट्रेवल करती हैं, डकैत की फोर्स और पुलिस की फोर्स। पता लगा गांव के किसी आदमी ने डकैत की मदद की तो अगले दिन पुलिस सार्वजनिक रूप से उस गांव में उसको चिन्हित करके उसका इतना बड़ा सार्वजनिक अभिनंदन समारोह। कुछ तो करिए सरकार। कश्मीर को लेकर बात हो रही है, आंतरिक आतंकवाद को लेकर बात हो रही है कि कैसे इस पर लगाम लगे। बाहरी आतंकवाद से आप लड़ सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं, लेकिन जो अंदर पनप रहे हैं, जो पल रहे हैं, उनको लेकर क्या करिएगा। सीधे चल रहे हैं के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास। अमिताभ जी प्लीज। मैं सहगल साहब से पूछूंगा, वो जानकार हैं। सहगल साहब, इन 500-700 ये जो प्रो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जिनमें 500-700 लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, सेना को डिमोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे वंस फॉर ऑल निपटने के लिए क्या मैकेनिज्म अच्छा होगा? देखो, आपके पास 3-4 ऑप्शंस बड़ी क्लियर हैं और जब तक उन ऑप्शंस को आप अप्लाई नहीं करते ग्राउंड पर, स्थिति बिगड़ती जाएगी। सबसे पहले जो भी वहाँ अलगवादी हैं, जिनको हम सेपरेटिस्ट बोलते हैं, अभी समय आ गया कि उनको हर प्रकार की सिक्योरिटी विड्रॉ की जाए। आप उनकी सिक्योरिटी और पर्क्स विड्रॉ कर दीजिए, वहाँ का आवाम भी उनको 24 घंटे में साफ कर देगा। दूसरे कुछ वहाँ लोकल लीडर्स हैं जो सत्ता से आवाम ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया, जैसे कुछ NC के हैं, लेकिन वो इस समय जो पत्थरबाज हैं उनके साथ जुड़े हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं ये नेशनलिज्म के लिए कर रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई कर रहे हैं। मेरा इशारा साफ तौर पे फरूक अब्दुल्ला का है, उनको साफ तौर पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने बता देना चाहिए कि अगर वो देश विद्रोही बातचीत करेंगे तो हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जिसका वो हकदार है। उनकी सिक्योरिटी भी विड्रॉ करो, 24 घंटे वैली से भाग जाएंगे। तीसरा, आपने अपीजमेंट बिल्कुल बंद कीजिए। हमारे कोर्ट्स हैं, लोकल सरकार है, कहती है पैरेट गन मत इस्तेमाल करो, ये मत करो, वो मत करो। सेना को फ्री हैंड दीजिए, उनको अपनी कार्रवाई करने दीजिए जिस तरीके से वो ट्रेन टू डू हैं। और आपको 1,000 या 2,000 लोगों को नहीं मारना, 30-40 लोगों को ही खत्म किया जाएगा। तो मैसेज दैट यू मीन बिजनेस, और आप इस नॉनसेंस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो सारे के सारे लोगों को साफ तौर पर नजर आ जाएगा। फिर हमने बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया को और दूसरे मीडिया को ना फोर्स मल्टीप्लायर मोड में इस्तेमाल करना है। हम अपने मीडिया को उस माफिक एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे अपनी बेहतरी के लिए, अपने फायदे के लिए, जिस माफिक पाकिस्तान और पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी उस सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम साइबर सिक्योरिटी में बड़े कमजोर हैं, अभी हमको साइबर स्पेस में बहुत जल्दी से इंप्रूवमेंट करनी है। वो जितने वायरल करता है वीडियोज एटसेट्रा, वी मस्ट हैव द कैपेसिटी कि हम उसको एकदम उसको ब्लॉक कर सके जो हमारे हित में नहीं है। चाइना कर सकता है, बाकी इजराइल कर सकता है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल, हम दुनिया के सबसे बड़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार को सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात। सगर साहब, ठीक है, आएंगे आपके पास। केसी जैन साहब जी, जी 8-10 साल पुरानी बात है जी अंतर। दिल्ली में एक इमारत है जिसका नाम है ऐवान ए गालिब है, वहां पर एक
क्लोज डोर मीटिंग टाइप सभा टाइप थी, किसी रूप छत में ढंग से मैं भी पहुंच गया। उसमें गिलानी आए थे संबोधित करने, उन्होंने जो कुछ कहा वो टीवी पे कह नहीं सकता, भारत के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ तमाम बातें गंदी से गंदी। और दिल्ली पुलिस की एस्कॉर्ट उनको सिक्योरिटी देती हुई आई थी, एक गाड़ी पीछे एक आगे। हमको ही गाली दो, हमको ही जूते की नोक पर बताओ और हमारी ही सिक्योरिटी पाओ, भाई ये क्या परिस्थिति है जैन साहब। और ये हर सरकार में रही, कोई सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। नहीं बिल्कुल, देखिए क्या भारत को गाली दो तो सिक्योरिटी विड्रो करो जाओ जैन साहब। नहीं बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए जो चीजें आपने कही कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ तलाशने की कोशिश, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अपने आप को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा रहा है। और जो चीज़ अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ सहगल साहब ने कही तो बिल्कुल सही बात है कि अगर जो घाटी में अलगाववाद की बात करते हैं और जो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं अगर वो पत्थर फेंक रहे हैं तो अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट आने के बाद में उसके बाद भी उनको सुरक्षा देना और उनकी अवगत करना, देश के खर्चे से उनको सुरक्षा मुहैया कराना। अभी एक मामला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील थे और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अलग कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, आपकी भी पूरी जानकारी में होगा। उसके बाद में क्या हुआ, उनके चैम्बर में जा करके कुछ लोगों ने उनके साथ ऐसी अवभगत की, उसके बाद में उस तरीके के बयान उनके मुंह से नहीं निकले। वो एक पार्टी के भी साथ में थे, फिर उस पार्टी से भी वो विड्रा हुए, तमाम सारी बातें हुई और नामी गिरामी हस्ती थे उसके बाद में। तो हमें लगता है कि अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे सरकारों ने कुछ नहीं किया तो जनता ने अपने हाथ में कानून लिया वहां। ठीक बात तो ये बिल्कुल सुरक्षा उनकी खत्म होनी चाहिए। साथ ही साथ लालच में आकर के जिस तरीके से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, मैं नहीं कहना चाहता था उस बात को, महबूबा मुफ्ती के बारे में, उनकी विचारधारा अलगाववाद की है और वहां पर सत्ता में आ जाने के कारण सत्ता के लाभ के लिए मोदी जी को खुश करने के लिए, अब वो कुछ भी बोले अलग बात है, लेकिन आपने जिस तरीके से उनके साथ हाथ मिला करके वहां पर सत्ता हासिल की है और उसके बाद भी जिस तरीके से वहां पर घटनाएं हो रही है, एक तरीके से कहेंगे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की ठीक है भी सरकार है, फिर भी इस तरह घटना हो रही है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। मैं मुफ्ती परिवार और फारूक परिवार के लिए एक बात कहूंगा, वो बात शुक्ला साहब को भी समझनी चाहिए, सुबोध जी को भी और जैन साहब को भी, जैन साहब को कम, शुक्ला साहब और सुबोध जी को ज्यादा, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं। महबूब मुफ्ती परिवार, उनके वालिद साहब अब तो रहे नहीं, और महबूबा और शेख अब्दुल्ला से शुरू करो और उमर तक, तीन पीढ़ी, ये दिल्ली के हुक्मरान की आरती का दिया और गाली की किताब दोनों हाथ में रखते हैं। सोमवार को आरती करते हैं, मंगल को गाली देते हैं, इसलिए इस पर कोई खुश मत हो कि महबूबा क्या कह रही है। हमने सुना मंत्री बना दो तो जय जय अटल बिहारी की, मंत्री नहीं गठबंधन टूट जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी को खरी खोटी, इंदिरा जी को खरी खोटी, जवाहरलाल को खरी खोटी, किसको नहीं सुनाई और किसकी आरती नहीं की इनने। इन दोनों की बात मत करो भाई, ये दोनों परिवार अवसरवादी लोग हैं। खैर सुबोध जी, हम अपनी बहस पर लौटते हैं। दिल्ली में बैठे लोग, खासतौर पर संसद में बैठे लोग, सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने वाले लोग, ये कब सुधरेंगे? आतंकियों से तो चलो निपट भी लेंगे, कभी हमारी और सहगल साहब की बात मान ले सरकार, चलो ठीक है, लेकिन उनका क्या करें जो हर मुद्दे पर नया बवाल बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, आके तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, पिटीशन दायर कर देते हैं, कहते ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, हिंदुस्तान डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है, है? ऐसे मास्क गुमराह क्या बोलते हैं शब्द, बहके हुए बच्चे जो कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आपकी बिरादरी के लोग उनको बताते हैं ये बहके हुए बच्चे हैं, इनको गोद में खिलाओ, चॉकलेट दो, ये बिरादरी कब सुधरेगी सुबोध जी? यहां तो मुश्किल है कि यहां तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। देखिए ह्यूमन राइट्स की जहां तक बात आती है, हमारा ये स्पष्ट मान रहा है कि ह्यूमन राइट्स
नेशनल इंटीग्रिटी से बड़ा इशू नहीं है। हमारा देश अगर एक टूटेगा तो उसमें हम ह्यूमन राइट की कितनी भी रक्षा कर लें, अल्टीमेटली हमारे देश का नुकसान होने वाला। तो इसलिए वो इशू बिल्कुल क्लियर है। ह्यूमन राइट्स के जो लोग इशू उठाते हैं उनके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, आप भी जानते हैं, आप बल्कि और ज्यादा जानते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का जो माहौल है उसमें जो बुनियादी वजह समझ में आ रही है कि सेना में हमारे जवान है वो अपनी जी जान लगा के सेना भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं, हर तरह से अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज हालत यह है कि जो केंद्र सरकार है और चाहे वो महबूबा मुफ्ती की मिलीजुली सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ बयान बहादुर है, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बात आपसे पूछूंगा, देखिए मैं एक मिनट अमिताभ भाई, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इतने दिनों में आपने देखा हुआ पिछले 3 सालों में एक सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने कर दी और उसको भी अपना पॉलिटिकल इशू बना दिया कि साहब हमने तो बस पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, ऐसा लगा जैसे। और उसके बाद हालत क्या हो रही है, एक आपने नोटबंदी की उसमें कहा सब चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं बात देखिए आप जो इशू उठाए वो तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी इशू उठाए कौन सी चीज उसके बाद बंद हो गई। हम कहते हैं नोटबंदी का बहुत बड़ा नुकसान अगर मान लीजिए हिंदुस्तान को न भी हो, लेकिन आपने क्या बयान जारी किए थे कि साहब सारी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी, आतंकवादियों की भी, नक्सलियों की भी, और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं ये कह रहा हूं कि अब बयान बहादुरी बंद कीजिए और सीधे पॉइंट ऑफ एक्शन पे आइए कि आपको क्या करना। ठीक बात सुबोध भाई, बिल्कुल दुरुस्त बात है। यहां मैं एक बात जरूर जोड़ूंगा, सुबोध भाई ने जो बात कही उससे कुछ हद तक सहमत हूं, कुछ से मेरा असहमति है, लेकिन एक बात बहुत मुखरता से कहूंगा। जब कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ ऐसे तत्वों के खिलाफ, तो देश के एक बड़े राजनेता, मैं उनको बड़ा राजनेता मानता हूं, लंबी पारी उन्होंने खेली, कांग्रेस के बड़े पॉलिटिशियन हैं, देश के कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उन्होंने राज्यसभा में खड़े होकर क्या कहा, वो नेता है राज्यसभा में पार्टी के, क्या कहा उन्होंने, पैलेट गन के खिलाफ पूरा प्रवचन दे दिया। आपको उनकी चिंता है कि उनका सौंदर्य बोध क्यों बिगड़ गया बच्चों का, आप उनको बच्चा बता रहे हो और आपको उसकी चिंता नहीं है कि भारत मां के तमाम लाल शहीद हो गए, आपको इसकी चिंता नहीं। दुनिया जहां की कहानी छोड़ो, जब से ये एनडीए की सरकार आई है तब से कश्मीर में रेगुलर बजट के अलावा 80,000 करोड़ रुपया गया, यह रुपया चिनाब में जा रहा है, पानी में जा रहा है। इससे बिहार की गरीबी दूर हो सकती थी, इससे उड़ीसा की भूख मिट सकती थी, इससे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो सकती थी, और आप दूसरा रोना रो रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहुंचे तो थे कुछ लोग, पैलेट गन बंद कर दीजिए, करवाइए। मैं सुप्रीम कोर्ट को नमन करता हूं, जो बात नेता नहीं बोल पाए डरपोकी के कारण, कायरता के कारण, वो कोर्ट ने कहा कि मैं अभी आदेश दे दूंगा कि पैलेट गन यूज नहीं हो, लेकिन जो लोग ये पिटीशन लेके आए हैं वो लिख के दे कि फिर पत्थरबाजी नहीं होगी। किसी माई के लाल ने लिख के नहीं दिया। ऐसे ये जो शिखंडी है ये लोग भी कश्मीर के लिए समस्या का बायस है। शुक्ला साहब, लेकिन मैं आपको इस पर नहीं बोलने दूंगा कि गुलाम नबी ने क्या कहा था ना, ये आपके लिए प्री विषय हो जाएगा। आपसे सवाल ये कि कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा बसपा ने क्या किया, छोड़ी दूसरी सरकारों ने, 3 साल हो गए, कोई निर्णायक कदम क्यों नहीं, क्या 19 से ठीक पहले उठाएंगे जब चुनाव से रुपए आ जाएंगे ताकि माहौल उसका लाभ भी मिल जाए। देखिए अमिताभ जी, केंद्र की सरकार ने बड़े सधे कदमों से कश्मीर की समस्या का अध्ययन करते हुए अपने कदम बढ़ाए। आज केंद्र की सरकार की ही देन है कि कई इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक देश पाकिस्तान की न सिर्फ निंदा कर रहे हैं बल्कि उन्हें धमकी भी दे रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो ईरान। अभी ईरान ने तो कुछ ही दिन पहले कहा कि हम भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अगर आपने अपने बंकर हमारे सीमा के पास से नहीं हटाए। अफगानिस्तान में भी उसे आतंकवादी देश और दुनिया भर की चीजों को घोषित करने की बात करी है। कई अन्य इस्लामिक देशों में भी भारत के नजदीक ज्यादा आए हैं
और पाकिस्तान से दूरी बढ़ाई है। डिप्लोमेटिक आधार पर भारत पाक की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के कामों से हमने बहुत कुछ गेन किया है। जहां तक आगे कदम बढ़ाने की बात है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतिम लड़ाई कश्मीर में ऐसी स्थिति में करेगी कि उसके बाद फिर पाकिस्तान नाम लेने के लिए नहीं रह जाएगा और हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने कह दिया कि आप गुलाम नबी की बात न करिए। समस्या यह होती है कि देश के अंदर जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जब वो आपने जैसे कहा कि जेएनयू में राहुल गांधी जी देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं, समस्या तब खड़ी होती है जब अखिलेश यादव जी जो अभी अभी मुख्यमंत्री पद से हटे, वो आपने खुद ही उल्लेख कर दिया कि वो शहीदों की गिनती करते हैं कि यूपी में कितने, बिहार के कितने और गुजरात में एक को क्यों नहीं। अरे आपने तो सरकार बना रखी है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे उनके साथ आपने सरकार बना रखी है, देश के मुख्यमंत्री जो पाकिस्तान के हिंदे लगा रहे थे उनके साथ आपने जम्मू कश्मीर में सरकार बना रखी है। कितनी बार हुआ सीज़फ़ायर का उल्लंघन साहब? आप बताइए, आप बोलिए, नहीं आप बताइए, आप क्यों अपनी पीठ ठोक रहे हैं? नहीं बोलना पड़ेगा, आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं। मैं किसान सरकार बना रखी है, श्रीनगर में जो चुनाव परिणाम आए, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटें जीती, श्रीनगर में हम नहीं जीते। उस समय लोकतांत्रिक तकाजा था एक सरकार देने का, हमने एक सरकार दी। ये तो आप देशद्रोहियों के साथ सरकार देने लीजिए। अगर यही मुक्ति कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती तो बहुत अच्छा था। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनावे तो बहुत अच्छा। आप क्यों बना लिया? आप में अंतर क्या रह गया? बनाया कांग्रेस को कोसते हैं, फिर आप और कांग्रेस में अंतर क्या रह गया? ठीक है अमिताभ जी के पास हम चल रहे हैं। शुक्ला साहब, जैन साहब, प्लीज थोड़ा सा रुकना होगा आपको। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है, प्लीज संपादकीय टिप्पणी। शुक्ला साहब आ गई बात, जैन साहब धन्यवाद। देखिए, जो आप लोगों ने एक दूसरे पर सवाल उठाए, आप लोग एक दूसरे को जवाब नहीं देंगे। आप लोगों को राजनीति भी करनी है, मुझे चूंकि राजनीति नहीं करनी इसलिए मैं सबके जवाब दे दूंगा सबकी तरफ से। मुफ्ती परिवार और फारूक परिवार, ये दो ऐसे परिवार हैं जिनके साथ देश में राजनीति करने वाली कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसने रिश्ता नहीं जोड़ा। कोई पार्टी ऐसी नहीं, ना दक्षिणपंथी, ना वामपंथी, ना मध्यमार्गी, ना कोई, सब उनके साथ गांठ जोड़ चुके हैं, फेरे ले चुके हैं। तो किस मुंह से ताल ठोक रहे हो भैया? कौन है पहले ये तो बताओ जिसने उनके साथ नातेदारी नहीं की, राइट फ्रॉम जवाहरलाल जी टू नरेंद्र भाई, बताओ मुझे। अरे कल फारूक अब्दुल्ला मिले, सुबोध जी, इन बातों में ये सब चुटकुलेबाजी नहीं। मैंने तो जवाहरलाल का नाम ले दिया, आप बता रहे हो इन्हें आज, मैंने तो इस देश के सबसे बड़े नेता का नाम ले दिया। वो तो बात, और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जवाहरलाल ने अगर शेख अब्दुल्ला को इतना तवज्जो नहीं दिया होता तो कश्मीर की स्थिति नहीं बिगड़ती। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता आज, बहुत विकट स्थितियां हैं। खैर, मैं आज की बात करना चाहता हूं, वो लंबी बहस का मुद्दा है, आज की बात करना चाहता हूं। आज सैकल साहब, आप समय नहीं होगा, माफ करिएगा, आज विपक्ष क्या कह रहा है अलग विषय, लेकिन सत्ता पक्ष को यह सोचना होगा कि आप सरकार हैं, हिंदुस्तान आपसे जवाब चाहता है। हिंदुस्तान कांग्रेस से, बसपा से, सपा से, कम्युनिस्टों से थोड़े ना जवाब चाहता है।
क्या मुट्ठी भर लोग पूरे भारत माता के माथे पर कलंक का टीका लगाते रहेंगे और हम लोग कायरों की भांति निंदा प्रस्ताव पढ़ते रहेंगे? शुक्ला जी ने कहा मुस्लिम राष्ट्रों में पाकिस्तान विरोध की बयार बही है, भारत में सत्ता परिवर्तन की बात। मैं बहुत सम्मान से कहूंगा पंडित जी, ऐसे पाकिस्तानी विरोध की तथा कथित बयान से हमको क्या फायदा, इसको हम ओढ़े के बिछाएं क्या करें? बयार बहे तो ठीक और ना बहती तो ठीक। एक बात इसका कारण बता दूं, ऐसा मैंने क्यों कहा, दुनिया के सारे मुल्कों से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करो, और अगर कोई कर दे तो सबसे ज्यादा ढोल हम पीटेंगे लाल किले पर चढ़ के, कहेंगे देखो 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 मेरी ताकत। और मैं मेरे जैसा मासूम नागरिक ये पूछता है, मेरे मालिक, ए मेरे मालिक, दुनिया से तो कह रहे हो पहले आप तो कर दो, आप तो कर लो, अमा दुनिया पूछेगी हमको गंगा नहाने का उपदेश दे रहे हो, खुद घर में भी नहीं नहा रहे हो, बताओ। MFN, भाई कोई महिला दूसरी महिला को ये सबक दे कि एक पति के गुजर जाने के बाद पुनर्विवाह मत करना और खुद पांच विवाह कर ले तो उसके सबक कौन मानेगा? तुलसी ने कहा कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जो आचरही सो नर न घनेरे। छोड़ो इस बात को भी, छोड़ो इसको भी छोड़ देते, एक छोटा इम्तहान और ले लो। मोस्ट फेवर्ड कंट्री एक फ्रेज है, सैगल साहब अच्छे से परिचित है, टेररिस्ट स्टेट आप नहीं घोषित कर सकते, छोड़ दो, मैं तो अड़ता ही नहीं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ही वापस ले लो, उसमें कोई रोक रही आ रहा है? पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आएगा नहीं, कांग्रेसी हल्ला बचाएंगे नहीं, वो तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाएगा, पार्लियामेंट का मतलब भी नहीं उसमें, एग्जीक्यूटिव आदेश, कार्यकारी आदेश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस। अरे जिसको हम छत पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा पड़ोसी चोर है, उसके साथ हम तो अपना खान पान का रिश्ता रखे हुए हैं और बाकी पड़ोसी उसका, इसको मारो ये चोर है, अमा हम अपना रास्ता तो पहले सीधा करें। एक और दूसरी बात, मुझे सबसे खराब बात सहगल साहब ये लगती है, कोई तर्क में इसके विरुद्ध सुनने को तैयार नहीं कि 500-700 लोग हिंदुस्तान के इकबाल को बंधक बना ले हाथ में पत्थर लेके, ऐसे लोगों के हाथ नहीं रहने चाहिए, जो हाथ हिंदुस्तान पर पत्थर फेंके वो हाथ नहीं रहना चाहिए, इसके लिए जो सीमा हो वो सीमा लांघी जानी चाहिए, जो तरीका हो वो तरीका अपनाया जाना चाहिए। इसमें मैं सारे राजनीतिक दल गंगा में खड़े हो जाए, गंगा जल और तुलसी पत्ता हाथ में लेके भी शपथ ले कि आप मुझे एक महीना दो एक साल दो हम रोक लेंगे, मैं नहीं मानने को तैयार, देश स्वीकार नहीं कर रहा जी। मजाक की कोई इंतहा होगी, 500-700 जमूरे हिंदुस्तान को कलंकित कर रहे, दुनिया भर में लोग देख रहे कि भारत पर पत्थर फेंके जा रहे, ऐसे हाथ सबसे पहले जाने चाहिए। बाकी भारत पाकिस्तान का मसला कब सुलझेगा छोड़ दो, पहले तो ये खुशखबरी इस देश को मिलनी चाहिए कि कश्मीर में अब वो हाथ रहा नहीं जो पत्थर फेंक सके, ये करिए, बाकी बड़ी बड़ी बातें बाद में, आज ये करके दिखाइए तब हम मानेंगे कि 33% पे पास हुए, अभी तक 33% नंबर नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद के शुक्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। केसी जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुभ श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पीके सहगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर और कश्मीर के हालात पर लगाम लगनी चाहिए, जिस तरह के हालात वहां पर हैं, ये निंदाओं का दौर खत्म होना चाहिए, श्रद्धांजलि का दौर खत्म होना चाहिए, सीधी सी बात है कुछ काम होना चाहिए जो दिखे जिससे ये तनाव की स्थिति खत्म हो, इस देश के जवान शहीद होने से बचें, जो आंकड़े हम गिनाते गिनाते थक चुके हैं। आज के मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।